for in few state for some chief minister, in some state for some like MPs and MLAs. Mm-hmm. So you but in most of the state we have worked for the state level. तो हम लोग ये कह सकते हैं सर आप मास्टर हैं इस खेल के। वैसे कंपनी का दावा है कि वो चुनाव प्रबंधन में प्रमुख है। वेबसाइट का दावा है कि लीड टेक वोटर और जन प्रतिनिधियों के बीच रिश्तों के प्रबंधन में महारत रखती है। कंपनी के निदेशक विवेक सिंह बागड़ी आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई कर चुके हैं। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखा है कि वो देश के नेताओं की सेवा करना चाहते हैं। पर न्यूज एक्सप्रेस का ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर उन लोगों के लिए बुरी खबर है जिन्होंने लीड टेक पर भरोसा किया। वजह साफ है, हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कंपनी के निदेशक विवेक सिंह बागड़ी वो सब कहते और करते हुए पाए गए जिसकी उम्मीद उनके जैसे आदमी से कतई नहीं की जा सकती है। हमारे रिपोर्टर ने उनसे अपनी पसंद के सर्वे के परिणामों की बात की। उस डेटा को तो वो डेटा हमारे फेवरेबल कंडीशंस में, डेटा के जो नंबर्स हैं वो हमारी पार्टी को फेवर्स करते होंगे। लाइक हमारी एक्स पार्टी है, एक्स पार्टी का जब आप हमें ओपिनियन पोल करके देंगे, ओवरऑल पार्टीज का करके देंगे एक स्टेट में, हमारी पार्टी को एक्स पार्टी को 10 सीट्स मिल रही हैं अकॉर्डिंग टू योर जेन्युइन ओरिजिनल सर्वे। अगर हम इसी नंबर को पब्लिश करते हैं तो वो तब तो प्रॉब्लम है। हम ये चाहेंगे कि वो 10 का नंबर 14 हो, 15 हो, और जो हमारा ओपोनेंट है उसके नंबर्स को थोड़ा कम करके दिखाएं, तब हम उसको पब्लिश करेंगे, तभी हम उसको दिखाएंगे। ये एक्चुअल पर्पस है। देखिए पढ़ना क्या है कि आटे के साथ गुण तो पीस सकते हैं, ठीक है, लेकिन गुण के साथ आटा नहीं पीस सकते, प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है। गेहूं के साथ घुन पीसने की बेईमानी ठीक ऐसे है जब गलत ओपिनियन पोल का नेता फायदा उठाते हैं तो आम आदमी उनके साथ घुन की तरह पिस जाता है। गलत ओपिनियन पोल पर न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर और कंपनी के डायरेक्टर विवेक के बीच काफी चर्चा हुई। वो कुछ भी खुलकर कहने को तैयार नहीं थे, पर शामिल वो हर बात में हो रहे थे। अचानक उन्होंने हमारे सामने एक अजीब शर्त रख दी। तो ये है बेसिकली क्या है मेरी बात, जब तक मैं हर एक चीज करूँगा, ठीक है, लेकिन हर एक चीज की बात भी करूँगा, लेकिन क्या पढ़ना है कि मैं तो पहले क्लाइंट हूँ, ठीक है, क्लाइंट से आपको मिलाना, मुझे आपको, हाँ ठीक है, मिलिए, और मिलाने के बाद फिर मैं कुछ भी जो भी पॉसिबल, जो भी मैंने हर एक चीज़ के लिए इतना बोल दिया, फिर मैं सब कुछ, हाँ तो ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है, उसके बाद मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ विवेक राजी हर चीज के लिए दिख रहे हैं पर शर्तों के साथ। यहाँ पर यह बता देना उचित होगा कि विवेक के मुताबिक ओपिनियन पोल में मैनिपुलेशन तो संभव है, लेकिन वो ये तभी करेंगे जब जिसके लिए ओपिनियन पोल हो रहा है उससे आमने सामने की मुलाकात हो। फिर सैंपल साइज के मुद्दे से होते हुए बात पहुंच गई दाम पर, और दाम की बात होते ही विवेक ने उस तथा कथित क्लाइंट से फिर मिलने की बात की और थोड़ा सोचने के लिए वक्त मांगा। We have no issue with 1000 sample size. ये तो आपने मुझे sample size का price बताया। वो relation से निकला है। हाँ, उसका तो देखिए मेरे को सोचने दीजिए। ठीक है, as Jenny, उसका मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, उसका मैं बता दीजिए। यहाँ से बात आगे बढ़ी तो पैसे पर जाकर रुकी। अगर नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि देखिए पहली बात है कि फिर मैंने आपको बताया कि अपन एक लेवल को मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसको उल्टा नहीं कर सकते, ठीक है, तो मैं अभी ना उसके विषय में मेरे को सोचने दीजिए। क्लाइंट से मिलने की जिद और सीमा में रहकर उलट फेर, यही कुल बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है लीड टेक के डायरेक्टर से अब तक की बातचीत में। इसके बाद बारी आती है काले सफेद धन के इस्तेमाल की। न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता ने ये बात पूछी तो जवाब से हैरान रह गया। What will be the mode of payment? You prefer check? नहीं होगा, लेकिन
हैश ले लेंगे। इसके साथ ही लीड टेक पर लगा हमारा कैमरा बंद हो गया। मोटी बात समझ में ये आई कि लीड टेक के निदेशक सीमा में रहकर मैनिपुलेशन को तैयार दिख रहे हैं। वो काले धन का इस्तेमाल करने में भी पीछे नहीं है। गौर करने की बात यह भी है कि बिना क्लाइंट से मुलाकात के वो डील को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इंद्रजीत राय, संजीव, अरविंद चतुर्वेदी, सुशांत पाठक के साथ जमशेद खान की रिपोर्ट। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में ओपिनियन पोल कंपनी लीड टेक के खुलासे के बाद कंपनी की तरफ से सफाई आई है। हमने ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में बेनकाब हुई सभी कंपनियों को ईमेल करके उनसे जवाब मांगा था। लीड टेक की तरफ से हमें ईमेल पर जवाब मिला है। प्रिय रविकांत मित्तल जी, मैंने किसी भी तरह के काम के लिए इनकार कर दिया था जो उन्होंने मुझसे कहा था। मैंने उन लोगों की तरफ से आए एक प्रस्ताव को ठुकरा दिया था बिना इस जानकारी के कि ये एक तरह का फंसाने वाला स्टिंग है। मैंने कहा कि मैं खुद या फिर लीड टेक कभी भी सीटें बढ़ाने, घटाने या गलत सर्वे करने में शामिल नहीं रहे हैं। मैंने अगली ही सुबह इस तरह के किसी भी काम को करने से मना कर दिया। अगर आप ध्यान से पूरी बातचीत सुने तो मैंने सिद्धांतों के खिलाफ किसी भी काम को करने की बात नहीं की, लेकिन आपके लोगों ने मेरे मुंह से अपनी बात कहलवाने की कोशिश की। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले सभी कंपनियों को ईमेल किया, उनसे संपर्क करने की कोशिश की। जिस भी कंपनी की तरफ से उनका पक्ष आया उनको हम आपके सामने रखेंगे। आगे भी जो पक्ष आएगा उसे भी हम ज़रूर रखेंगे। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। अब आपको हम दिखाते हैं ओपिनियन पोल की दुनिया का एक और खिलवाड़। फ्रेमेट्रिक्स नाम की एक और कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है, थोड़ी छोटी कंपनी है, पर ओपिनियन पोल के नाम पर हो रही बड़ी बड़ी और खतरनाक खामियों के बड़े राज खुलती है। लोगों के विश्वास और लोकतंत्र के खिलाफ चल रहे ओपिनियन पोल के खेल में एक और नाम सामने आता है, फ्रेमेट्रिक्स। कंपनी का प्रोफाइल हमें इंटरनेट में ओपिनियन पोल कंपनियों की तलाश के दौरान मिला। हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स ने वेबसाइट पर दिए नंबर को डायल किया, फोन लगा। अंडरकवर रिपोर्टर ने खुद को पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट बताया। बात हुई, मुलाकात का वक्त और तारीख तय हो गई। इनसे पॉलिटिकल एजेंट बनकर हमारी टीम जब मिलने निकली तो सवाल साफ थे, क्या ये कंपनी पैसे लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े मैनिपुलेट करती है? क्या हब पल्स ओपिनियन पोल में वोट शेयर किसी प्रत्याशी के हक में बढ़ा सकती है? क्या हब पल्स पैसे लेकर ओपिनियन पोल में सीटें बढ़ा सकती है? क्या हब पल्स लेन देन में काले धन का इस्तेमाल करती है? चौदह फरवरी 2014, दिल्ली का सफदरजंग एनक्लेव इलाका, दोपहर 1:25 का वक्त। न्यूज एक्सप्रेस के ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर पहले से तय पते पर पहुंच गए। यहां फ्रेमेट्रिक्स नाम की कंपनी का ऑफिस है। ऑफिस में न्यूज एक्सप्रेस अंडरकवर रिपोर्टर्स की मुलाकात दो लोगों से हुई। एक ने अपना नाम गौतम मेहता और दूसरे ने अपना नाम प्रसेनजीत बताया। दोनों ने खुद को कंपनी का डायरेक्टर और पार्टनर बताया। इनसे मिली जानकारी के मुताबिक उनकी कंपनी 10 साल से सर्वे का काम कर रही है। What is the name of the company? Frametrics. ये कंपनी जहाँ पर जिस ऑफिस में हम बैठे हैं, Frametrics, इसका 10वां साल चल रहा है। इसके अलावा मेरी और प्रसेनजीत की दो और कंपनी हैं। ओके। ठीक है। उसमें से हमारी एक कंपनी है हबपल्स कंसल्टिंग। इस कंपनी के थ्रू हमने पिछली बार एक फोर स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए उसके लिए उनका ओपिनियन हमने किया था। ओपिनियन पोल का जनरली काम हम सब कुछ हबपल्स ही करते हैं, जो यहाँ के लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं। ओपिनियन पोल करने वाली कंपनी को लेकर गौतम मेहता की ये बात थोड़ी अजीब लगी। एक मालिक की दो कंपनियां, फ्रेमेट्रिक्स और हबपल्स, पर फ्रेमेट्रिक्स के लोगों को हबपल्स के बारे में जानकारी नहीं, आखिर क्यों? ओपिनियन पोल करने वाली कंपनी हबपल्स का कारोबार
क्यों छिपा कर होता है? वैसे इस कंपनी के नाम से वेबसाइट तो है, फिर ये पर्दा क्यों? बात बढ़ी तो ओपिनियन पोल की दुनिया का एक कड़वा सच हब पल्स के डायरेक्टर प्रसेनजीत का दावा बनकर सामने आया। दावा ये कि बड़ी ओपिनियन पोल कंपनियां खुद बहुत कम सर्वे करती हैं। वे तो काम को आउटसोर्स कर दूसरी छोटी कंपनियों से सर्वे कराती हैं और दूसरों के सर्वे पर अपनी मुहर लगाकर बाजार में नाम और दाम दोनों बटोरती हैं। एक दो तीन इस चीज का आंसर चाहिए, बाकी मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। टिपिकली विल गिव इट टू समबडी एल्स। सो फॉर लास्ट 8-9 इयर्स वी हैव बीन बीइंग दैट समबडी एल्स, जिसके पास काम आता था, डू द फील्ड वर्क, डू एवरीथिंग, डू एनालिसिस, गिव इट अ रिपोर्ट, दोनों टू नेम कंपनीज, उसका जस्ट थप्पा होता था प्रेजेंटेशन के ऊपर, जब क्लाइंट को दे दिया, वाह वाह बहुत बढ़िया। इस बातचीत के बाद हब पल्स के रहस्य की गुत्थी सुलझ गई। प्रसेनजीत के दावे के मुताबिक हब पल्स नाम की कंपनी भारत की बड़ी ओपिनियन पोल कंपनियों के लिए गुमनाम होकर काम करती थी। ये बात बाहर ना निकले, किसी को पता ना चले, शायद इसीलिए हब पल्स के कामकाज को लोगों की नजर से बचाकर रखा जाता है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या देश की नामी ओपिनियन पोल एजेंसी अपने क्लाइंट्स को खुद सर्वे करने का भरोसा देती हैं, पर सर्वे करती है कोई और कंपनी? और अगर ऐसा है तो गौर करने लायक बात है कि ऐसे आंकड़ों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। क्या बड़ी कंपनियां अपने क्लाइंट्स को, आपको या हमें ये बताती हैं कि ये सर्वे उनके लिए एक तीसरी एजेंसी ने किया है? इस जानकारी से हमारी टीम को हैरानी हुई। हमने सोचा क्यों ना हब पल्स के दावों की परख और गहराई से की जाए। तो अंडरकवर टीम ने प्रसेनजीत और गौतम से उनके पिछले सर्वे के बारे में जानकारी मांगी, तो दोनों ने उस सर्वे का हवाला दिया जो नवंबर दिसंबर में चार राज्यों के विधानसभा चुनाव पर हुआ था। कितना सही रहा आपका, सटीक रहा वो? तीनों चारों स्टेट के रिजल्ट्स हमने मैच कराए, वोट शेयर्स हमने चारों में मैच कराए। दिल्ली में एक गड़बड़ हुई हमसे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी वो किसी ने आम आदमी किया था, आम आदमी पार्टी को हमने दिए थे 8 और कांग्रेस को दिए थे 28, वो उल्टा उल्टा हो गया। तो ये हम लोग सारे में लगते हैं रिजल्ट्स एकदम ठीक से, जस्ट नंबर भी उल्टा कर दीजिए बाकी कलेक्शन की। वो भी इसीलिए क्योंकि जो जो दो आखिरी महीनों में जो हवा चली उसके कारण पूरा घुमा दिया एकदम। हम लोग सितंबर में किए थे ओपिनियन पोल और असली नतीजों का फर्क देखिए। कांग्रेस के नंबर आपके पास चले गए और आपके नंबर कांग्रेस में आ गए। यहां सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है? ये फर्क ओपिनियन पोल की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करता है। एक और सवाल उठता है, क्या इन्हें सर्वे आउटसोर्स करने वाली बड़ी कंपनियां इनके कामकाज पर नजर रखती हैं? न्यूज एक्सप्रेस की टीम बातचीत में आगे बढ़ी और जांचना चाहा कि हब पल्स अपने सर्वेक्षण को लेकर कितनी ईमानदार है। मैंने आपको जैसा बताया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हम लोग प्लॉटिंग का काम करते हैं और हमें ओपिनियन पोल ये अपकमिंग इलेक्शन जनरल इलेक्शन के लिए कराना है 2014। तो आप मुझे बताइए कि आप लोगों के चार्जेस क्या रहेंगे हमारे अकॉर्डिंग उसको काम करने में, ओपिनियन पोल को बनाने में? देखिए, एक तो आप ओपिनियन पोल वो देंगे जो ग्राउंड रियलिटी होगी जेन्यू, कि दिस इज द ग्राउंड रियलिटी, ठीक है? उसमें बैठकर आप और हम लोग बैठकर जो भी एडजस्टमेंट्स करने हैं, जो भी नंबर्स के मैनिपुलेशंस करने हैं, वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि इस पार्टी को, हमारी वाली को, फेवरेबल को थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए, दूसरे वाले को कॉम्पिटिटिव।
इस बातचीत के बाद हब पल्स के इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने अब तक जो अहम बातें थी वो ये हैं कि हब पल्स मैनिपुलेशन के लिए तैयार है, हब पल्स प्रत्याशियों को झूठी बढ़त देने को तैयार है, हब पल्स का दावा है कि ओपिनियन पोल की दुनिया की बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों से काम कराती हैं और अपना बनाकर बेच देती हैं। इसके बाद हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने हब पल्स से बातचीत में ये जानना चाहा कि वो ये काम क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे पैसा है या कोई और वजह है। मैं तभी पूछ रहा हूँ, वो सवा तीन आप कर रहे हैं ना। मैंने कहा चलो सवा तीन लाख रुपए में अगर काम होता हो हमारा तो समझा And that is based on, and ये मैं comfortable बोल रहा हूँ, based on the assumptions that we have taken in terms of the sample size, genuine sample size है, जो statistically and otherwise define कर सकते हैं। इस बातचीत के बाद ये बात कुछ कुछ साफ हो गई है कि हब पल्स के दोनों डायरेक्टर पैसे लेकर दो तरह की रिपोर्ट बनाने को तैयार हैं, एक सही और दूसरी गलत।